वेलकम बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें ये दिया हुआ है कि इफ़ अर्ग ऑफ जेड वन माइनस जेड अपॉन मॉड जेड अपॉन जेड अपॉन मॉड जेड इक्वल टू पाई बाई टू एंड मॉड ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू थ्री, तो मॉड ऑफ जेड वन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ दिख रहा होगा, ये जो z अपॉन मॉड ऑफ z है दे रखा है हर जगह, तो इतना बड़ा क्यों लिखे। आप एक काम कर सकते हो, z अपॉन मॉड z को थोड़ा देर के लिए आप ओमेगा बोल दो, w, और मॉड ऑफ ओमेगा इज 1। ठीक है, यही चीज़ है बेसिकली, इसका मॉड 1 है। तो यही कहना चाह रहा है कि w है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड 1 है, तो ये सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और वो दिखेगा अर्ग ऑफ जेड वन माइनस डब्लू अपॉन डब्लू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू और मॉड ऑफ डब्लू माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू थ्री। इस दोनों को प्लॉट कर लेते हैं अगले पन्ने पे। ठीक है, तो डब्लू माइनस जेड वन क्या है, थ्री है। सबसे पहले डब्लू किस पे लाइक कर रहा है, W लाइक कर रहा है एक सर्किल पे जिसकी रेडियस 1 है। ठीक है, और W माइनस जेड वन क्या होगा, एक सर्किल होगा विथ सेंटर जेड वन, और W इस सर्किल पे भी लाइक कर रहा है और इस सर्किल पे भी लाइक कर रहा है, मतलब कहीं इंटरसेक्शन जाएगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए W कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होता और जेड वन, अगर जेड वन हम लोग यहाँ मानते तो एक इस तरह का कुछ सर्किल आता और अपने को W का मॉड क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, यानी मैक्सिमम दो पॉइंट आ सकते थे। ये एक्स एक्सिस दिख गया है, ज़रूरी नहीं है वो हो, तो मैक्सिमम दो पॉइंट आ सकते थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या एक भी नहीं हो सकता था अगर Z1 कुछ बहुत दूर हो और 3 उधर ही घूम जा रहा हो। दूसरा आपका एक ये है, ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये है अर्ग ऑफ जेड वन माइनस डब्लू माइनस अर्ग ऑफ डब्लू इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी Z1 माइनस W क्या होगा, ये Z1 है और W या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। सपोज़ कीजिए W ये है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, Z1 माइनस W मतलब ये वाला एंगल, और अर्ग ऑफ W क्या है, ये है। ठीक है ना, तो दिया हुआ क्या, इस दोनों का डिफरेंस पाई बाई टू है, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, पाई बाई टू है। ठीक है ना, यानी Z1 कहीं मानिए यहाँ होगा, तो ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, और ये क्या है, पाई बाई टू है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, मॉड ऑफ जेड वन है ना, मॉड ऑफ जेड वन पूछ रहा है, तो मॉड ऑफ जेड वन क्या, यही तो होगा ये लेंथ है ना। उसमें देखिए, आपको ये लेंथ पता है 1 है, रेडियस है इस सर्किल का, और ये लेंथ क्या है, इस वाले सर्किल का रेडियस है 3, तो ये लेंथ क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी रूट अंडर 9 प्लस 1 रूट 10 होगा आंसर। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ मॉड जेड वन निकल गया रूट 10। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया कि ये वाला जो है, ये दो पॉइंट ही बन सकता है, तो चाहे आप इधर से निकाल लो या ऊपर से निकाल लो, बात वही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी रूट 10। तो बस ड्रॉ कर लेना था, ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन था नहीं ये। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू।